सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऑटोमोबाइल्स बजाज आसनसोल को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मदद की है। अगर आप बजाज की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एड्रेस और फोन नंबर दिख रहे होंगे, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बजाज बाइक्स की यह खासियत होती है इसकी ऑलराउंडेबिलिटी। या दैट्स राइट, कुछ ऐसी ही कहानी है बजाज डोमिनर 250 की। बजाज डोमिनर 400 के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड 250 सीसी सेगमेंट की एक ऐसी बाइक जिसके साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के यूजर इसे यूज कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन टुडेज वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल न्यू बजाज डोमिनर 250 BS6 वर्जन। शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में इसका जो हेडलैम्प है ये फुल LED हेडलैम्प से, यहाँ पर आप DRLs देख सकते हैं, वो भी फुल LED DRLs आपको दिए गए हैं, जो इस बाइक को एक रोबोटिक लुक प्रोवाइड करता है जो देखने में काफी अट्रैक्टिव और यूनिक लगता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द हैंडल बार पोजिशन। तो इसमें आपको सिंगल स्टैंडर्ड हैंडल बार मिलता है, एट द सेम टाइम मिरर्स भी आपको पहले से थोड़ा वाइड दिखेंगे, इस वजह से आपको फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा। अगर हैंडल बार में कंट्रोल्स की बात करें तो वैसे हैंडल बार पकड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर लेफ्ट साइड पे कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो फुल LED इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा लाउड है। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पास लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम राइट साइड में यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है वो लाइट ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है वो सेल्फ स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर व्हिच इज इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको RPM वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्यूल का जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे छूट भी गया तो टैंक के ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले में आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे यूजफुल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे गियर इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, ABS की लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, हीट की जो साइन है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम डोमिनर की टैंक की अगर बात करें तो मैसिव टैंक देखने में तो लगता है, लेकिन इसका टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। यहाँ पर आपको डोमिनर लिखा हुआ मिलेगा जो कि ऑल क्रोम में है और 3D में है, और टैंक के ऊपर कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका सिंपल लुक इसके स्पोर्टीनेस को और भी इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम अगर इस गाड़ी के माइलेज के बारे में बात किया जाए तो माइलेज आपको 35-40 KMPL का माइलेज क्लेम करता है कंपनी। अब हाईवे और सिटी में मिला के आप पकड़ के चल सकते हैं, 30-35 का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से दे देगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसकी सीट की। तो सीट की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगा, हालांकि सीट का कुशन जो है वो उतना सॉफ्टर साइड नहीं है, थोड़ा हार्डर साइड मुझे लगा, लेकिन चलाने में मैनूवर करने में ठीक ठाक है। अगर सीट हाइट की बात करें तो 800 mm इसका सीट हाइट है। शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपका हाइट 5'5" से ऊपर है तो आपको कोई भी दिक्कत इस गाड़ी को चलाने में नहीं होगा। हालांकि इस गाड़ी का वेट जो है वो थोड़ा भारी है, इस वजह से आपको मैनूवर करना डेली ट्रैफिक में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और इस 250cc गाड़ी का खासियत यह है कि ना सिर्फ राइडर के लिए बल्कि पिलियन के लिए भी अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट ये ऑफर करती है। सीट बहुत वाइड है और ज्यादा ऊंचा नहीं है, इस वजह से पिलियन भी बहुत ही आसानी से इस गाड़ी में बैठ सकता है। अगर आपके घर में लेडीज है तब भी इस गाड़ी में आप बिठा के चल सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर टायर साइज की बात करें तो इस बाइक में आपको 170 सेक्शन के 17 इंच का टायर मिलेगा फ्रंट में, और रेयर में आपको 150/60 सेक्शन का 17 इंच का टायर ही मिलेगा पीछे में। इस ब्रेकिंग में इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो इस सेगमेंट की बाइक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल फीचर भी है। रेयर में आपको RLP सेंसर भी दिया गया है जो ब्रेकिंग बाइट को और भी इंक्रीज करता है। इस बाइक के इंजन के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, लेकिन अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो इनिशियल पिकअप इस गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है। एकदम आप जैसे ही थ्रोटल को प्रेस करेंगे ये आराम से बाइक क्विकली निकल जाता है, चाहे डेली ट्रैफिक में हो चाहे हाईवे में हो, ये आराम से निकल जाएगी। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 140-150 तक ये बाइक आराम से चली जाएगी। आप 100 में किसी भी हाईवे पे इस बाइक से क्रूज करके लॉन्ग राइड कर सकते हैं। अगर इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी या फिर मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो हर एक जगह पे जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो अच्छे ग्रेड के लगते हैं, अच्छे क्वालिटी के लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसके वेट ये चिक चिक कर बताते हैं, इसका वेट जो है ये 180 किलो इसका कर्व वेट है। अगर पेट्रोल वगैरह आप डालते हैं तो उसके बाद 200 किलो का ये बाइक बन जाता है। मूविंग टू द सस्पेंशन सेटअप, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही सस्पेंशन सॉफ्टर साइड है टू मेक योर राइड मोर कंफर्टेबल। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि किनको ये बाइक खरीदना चाहिए। देखिए, हर एक तरह के बायर, हर एक तरह के सिचुएशन के लिए ये बाइक को खरीदा जा सकता है। यही इस बाइक के ऑल राउंड
डिपेंडेबिलिटी है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में तीन तरह के बायर्स होते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं यंगस्टर्स और एक होते हैं फैमिलीमैन। फैमिलीमैन इसे खरीद सकते हैं क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, पीछे आप जो है लेडीज को भी बिठा के चल सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बाइक को खरीद सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बजट के अंदर है और 250 सीसी के साथ साथ में ये माइलेज और पावर बहुत ही अच्छी खासी निकाल लेते हैं। यंगस्टर्स इस बाइक को इस वजह से खरीद सकते हैं क्योंकि इस बाइक से आप आराम से लॉन्ग टूर कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा खासा इनिशियल पिकअप है इस बाइक का, इस वजह से यंगस्टर्स को भी ये बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोमिनर 250 एक ऑलराउंडेबिलिटी बाइक है, किसी भी तरह के बायर इसे आसानी से खरीद सकता है और चला भी सकता है। तो यही कुछ कहानी है डोमिनर 250 BS6 की। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ी कम्युनिटी के साथ में जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलता है आपसे अगले वीडियो में।